पत्रकार भाइयों का हम दोनों फोरमों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे आंदोलन को, आंदोलन की एक एक गतिविधि को पूरे देश ने, विदेशों के अंदर भी ले जाने का काम कर रहे हो। इसके लिए हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आप सबके। देखिए, पिछले एक महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है और उतने समय के अंदर जिस तरीके की सरकार की ओर से हमारे शांतमय आंदोलन के ऊपर जिस तरह के हमले हुए, वो आप सबके सामने है। आपने उन सबको देखा और झेला भी है, पत्रकारों ने तो हमारे से ज्यादा झेला है। जिस तरह की क्रूरता नजर आ रही है कि यहां लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार खुद लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही है। आंदोलन चल रहा है यहां पे हरियाणा के लोगों के ऊपर, जिस तरह का मैं बहुत बार पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि हरियाणा के लोगों को अपने घरों के अंदर कैद करना, केवल हरियाणा नहीं, सभी उन राज्यों में ये हो रहा है जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले दिनों हमारा जो कार्यक्रम दिया था रेल रोको का, वो एक सफल कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यूपी के अंदर जो कभी ऐसा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं रही थी यूपी, आंदोलन तो बहुत हुए लेकिन इस बार यूपी के अंदर भी रेल रुकी है। केवल यूपी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में, मैं ये कह दूं अगर कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में उसका प्रभाव आपको नजर आया होगा। लेकिन जिस तरीके की सरकार की क्रूरता है कि जो भी आदमी आंदोलन की तरफ बढ़ता है उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने एक महीना भर पूरी तरह शांति रखते हुए इस आंदोलन को चलाया और तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। कोशिश सरकार की कि वो हरियाणा के अंदर एंटी कंपेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाए, उनका भी लेखा है, लेकिन उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तपका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तपके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात गई, वहां पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलर करो, वहां पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सबने देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें, जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम सरकार खरीदेगी कपास और जूट को।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब प्राप्तियां आंदोलन आए दिन नहीं है, प्राप्तियों की ओर बढ़ रहा है, आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा था, पंजाब के इन बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, और दो तीन दिन से जिस तरह से आंदोलन और बढ़ा, और डबवाली के अंदर भी हमारे राजस्थान और पंजाब के लोगों ने और इधर से हरियाणा के लोगों ने आकर वो वहाँ पे भी आंदोलन को शुरू किया हुआ है। कहने का मतलब आंदोलन बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम ये सब मानते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को घुटनों के बल पर लेकर आए हैं, मजबूर किया कि हरियाणा को अपने अपनी पूरी की पूरी सरकार को की बलि चढ़ानी पड़ी हो, उस समय आंदोलन का वही फॉर्म वही तरीका शांतमय ढंग से यहाँ पे लड़ना, ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि 15 तारीख से हमारे आंदोलन के शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों सभी पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलेगी और उसके ऊपर हमारी मांगे लिखी होंगी, उसके ऊपर एक तरफ बैनर लगा होगा जिसके ऊपर शुभकर्ण की तस्वीर होगी और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं ये मांग रहा था, मेरा क्या कसूर था, आपने की सरकार ने हमारे साथ ये वायदे किए थे। तो ये सब बातें हम पूरे देश के अंदर देश के किसानों के समक्ष रखेंगे, हमारा ये प्रयास है। हरियाणा के अंदर अभी हिसार एंड अंबाला के अंदर दो बड़ी वो यात्रा के चलते चलते दो बड़ी सभाएं करने का डेट फिक्स की गई है। वो पूरी की पूरी कहानी आपको पंधेर साहब और हरियाणा वाले साथी साथ बैठे हैं ये बता देंगे आगे कार्यक्रम। धन्यवाद। देखिए जिस तरह से डलेवाल साहब ने ये रखी, हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी दो फॉर्मों के बड़े लीडर वहां जाएंगे, अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी वो इधर एक करेंगे, उसके बाद हिसार में, दूसरी इधर अंबाला साइड में, पूरे एरिया में आपको डेट कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग अंबाला मौड़ा मंडी में ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद शुभकर्ण के उपलक्ष में, और सारी बात देश के सामने रखेंगे कि हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम MSP लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे, ये हमारा कसूर था, ये सारी बात देश के समक्ष लेके जाएंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है, और पूरे देश में बड़ी महापंचायतें और श्रद्धांजलि समागम इसी तरह से उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे देश की आ जाएगी, वो करेंगे। उसके बाद जो भाजपा गठजोड़ है इसका हर गांव में, देश के हर गांव में जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे वहां पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण सिंह का क्या कसूर था, क्यों उसे शहीद किया गया, और उसे अपनी मांगों को लेकर
लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं, हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं, तो फिर हम लोग कालो झंडों से काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे। ये हमारा कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम हमारा हमने कल की पीसी के ऊपर छोड़ रखा है, ये दो हमने जो दोनों फोरमों में राय की थी ये उसका निर्णय था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब बाकी की बात अभी हमारे साथी बमनु कुहाड़ रख लेंगे, हमारे हरियाणा के दूसरे साथी।